कड़ाके की सर्दी में रात का सन्नाटा। वक्त लगभग 2 बजे। सड़क के किनारे ये 2 गाय लेटी हुई थी। तभी यहां एक कार नजर आती है जो आगे जाकर यू टर्न लेती है और गायों से कुछ ही दूर पहले आकर खड़ी हो जाती है। कार से पहले 2 शख्स उतरते हैं, ये ध्यान में रखते हुए कि आसपास से कहीं कोई देख तो नहीं रहा। कार में मौजूद 2 और लड़के नजर आते हैं, यानी कुल मिला के 4 लड़के। इनमें से 3 लड़के कार के आसपास ही रहते हैं, जबकि काली टोपी और लाल जैकेट पहने ये लड़का इन गायों की तरफ बढ़ता है। पहली गाय को वो कुछ नहीं करता, लेकिन इसके पहले कि दूसरी गाय को खतरे का एहसास हो पाता, ये लड़का काली रंग वाली इस छोटी गाय को दबोच लेता है। तब तक पीछे से मदद के लिए दूसरा लड़का भी आगे आ जाता है, लेकिन रेड जैकेट वाला ये लड़का अकेला ही गाय को कार तक लेकर जाता है और फिर 2 लड़के मिलकर गाय को पीछे वाली सीट पर अंदर घुसाकर दरवाजा बंद कर लेते हैं और तेजी से कार लेकर मौके से फरार हो जाते हैं। बड़ी वाली गाय उठकर खड़ी हो जाती है, पर गलत होते हुए देखकर भी ये बेजुबान आखिर क्या ही कर लेती। गाय को उठाकर ले जाने वाले बदमाश शायद इस बात से अनजान थे कि वहीं पर लगे एक सीसीटीवी कैमरे में उनकी ये हरकत, उनका ये अपराध कैद हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो बीजेपी विधायक मनीष जायसवाल ने शेयर किया है। उनके मुताबिक ये वीडियो झारखंड के हजारीबाग की कालीबाड़ी रोड का है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार के तुष्टीकरण की वजह से गौ तस्कर अब प्रदेश में काफी सक्रिय हो चुके हैं। उन्होंने आगाह करते हुए कहा है कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को लेकर लोगों में खासी नाराजगी है और लोगों ने झारखंड पुलिस और राज्य सरकार से इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आरोपियों के चेहरे भी वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। गाड़ी का नंबर पता लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि पुलिस जल्द से जल्द आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी।